डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आप लोगों के द्वारा देखे गए सीबीटी क्वेश्चंस के बाद आपका जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो हम आज सातवां पार्ट आपके सामने लेके आए हैं सीबीटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में। सातवां वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और ये जो वीडियो आज लेके आ रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम में भी सीबीटी की एग्जाम हुए हैं उनमें अधिकतर पूछे जा रहे हैं और उसी के सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो अब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो आज बिना किसी औपचारिकता के पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, ये पूछा है यहाँ पर। तो इसमें फोटोवोल्टेइक सेल जो होते हैं, जो लगे रहते हैं, सोलर सेल जिसको भी बोलते हैं, ये फोटोवोल्टेइक सेल। राइट आंसर इज ए। आपके लिए पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर है, आपके लिए पढ़ रहे हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, सेकेंडरी सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय अपघटन के जो नियम है उसके सिद्धांत पर सेल काम करते हैं, इसलिए राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये जो क्वेश्चन है वो सीबीटी एग्जाम में बहुत ही मायने रखते हैं और वो बहुत ही अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ, तो आप इसको पढ़ेंगे ऐसा हमें विश्वास है। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है उसमें द्रव्यमान एकत्रित होता है, उसके लिए सूत्र पूछा है। राइट आंसर आपके लिए है जेड आई टी ग्राम। राइट आंसर इज बी। ये किसी सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान एकत्रित होता है, उसकी गणना के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाई कैसे करते हैं। इसमें एम्पियर आवर में बैटरी की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है, यानी प्लेट मुड़ जाती है। सेल जो होते हैं द्वितीयक सेल के चार दोष होते हैं, इसमें प्लेट जिस दोष के कारण मुड़ जाती हैं वो बकलिंग दोष कहलाता है। राइट आंसर इज ए। इसमें देखो चारों दोष दिखाए गए हैं, एक दोष है बकलिंग, दूसरा स्थानीय क्रिया जिसको लोकल एक्शन बोलते हैं, पार्टियल शॉर्ट यानी आंशिक लघुपतन तीसरा दोष होता है, और हार्ड सल्फेशन कठोर सल्फेशन ये चौथा दोष होता है। तो सेकेंडरी सेल के चारों ही ये दोष होते हैं जिसमें प्लेट मुड़ने वाला जो दोष है वो बकलिंग कहलाता है, इसलिए राइट आंसर इज ए। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई आप लोगों को पता ही है कूलाम होती है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, लिथियम सेल की आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछा है, ये होता है 2.5 वोल्ट, अर्थात राइट आंसर इज डी। डी आंसर इसका सही ऑप्शन है। कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है, कम समय में उच्च दर से बैटरी को चार्ज, तो इसमें अपन क्या है कि बूस्टर चार्ज मेथड जो है, बूस्ट आवेश यानी बूस्ट करके यानी अधिक करंट पर कम समय में बैटरी को चार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज, यानी बूस्ट आवेश हिंदी में बोलते हैं इसको। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन जस्ता सुस सेल में कौन सा विद्युत अपघटक का प्रयोग किया जाता है, इसमें पूछा है आपको विद्युत अपघटन का नाम पूछा है कौन सा उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड इसमें विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज बी। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, विद्युत धारा प्रवाह होना रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है। राइट आंसर इज डी। सीबीटी
सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पंजी लेड यानी स्पंज सीसा उपयोग में लिया जाता है। ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए स्पंजी लेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? अपनी डिजिटल घड़ी होती है उसमें सामान्यतः सिल्वर ऑक्साइड सेल भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अब CVT परीक्षा में NCVT के आधार पर पढ़ते हैं तो इसमें मर्करी सेल और सिल्वर सेल दोनों उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अपन NCVT के हिसाब से यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, मर्करी जो सेल होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, मर्करी सेल डिजिटल घड़ियों में उपयोग किए जाते हैं। समांतर युग्मन परिपथ में एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? यानी एक पैरेलल सर्किट में एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या प्रभाव होगा? इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और लघु पतित हो जाएगा परिपथ। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? हाइड्रोमीटर क्या काम आता है ये पूछा है। बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? इसके लिए बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके विद्युत अपघटन में विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के काम में आता है। राइट आंसर इज डी, यानी ये जो आपका ऑप्शन है विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में काम आता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ रहे हैं, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक का उपयोग किया जाता है। यानी लेड एसिड बैटरी है इसमें आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में ये जो समांतर क्रम में सेल जुड़े हुए हैं तो इस समांतर क्रम में जितने भी सेल जुड़े हैं वो 1.5 वोल्ट के सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 6 सेल हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं चूंकि तो टोटल वोल्टेज है वो एक सेल के बराबर होगी। राइट आंसर इज ए, 1.5 वोल्ट इसका सही उत्तर है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? इसका राइट आंसर लेड परोक्साइड जो होता है वो आता है। राइट आंसर इज बी, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक आवेशन की यानी चार्जिंग के समय और धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा ये पूछा है, आप फिर से एक बार देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है डी। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? वेंट प्लग ऊपर बैटरी के लगे हुए ढक्कन होते हैं जो चार्जिंग के समय उनको खुला रखते हैं क्योंकि बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया के दौरान इसमें अंदर जो गैसें बनती हैं वो गैसों को निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए और वेंट प्लग रखे जाते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? इसमें सल्फेशन दोष हो जाता है तो कठोर सल्फेशन दोष में क्या है कि अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि बैटरी की जो प्लेट हैं वो हार्ड होने लगती हैं, कठोर होने लगती हैं, तो इस दोष को दूर करने के लिए बैटरी को कम करंट में अधिक लंबे समय तक चार्ज किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है। और राइट आंसर इज सी, सी इसका सही उत्तर है। तो इसी तरह से हमने आपके लिए ये आज के क्वेश्चन लेके आए और हम बहुत जल्दी आपको एक और खुशखबरी देने वाले हैं, हम ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी के लिए। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो जिसको भी ऑनलाइन क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लेवे। और इसका जो अन्य वीडियो हैं इसके
जो पहले के वीडियो बनाए हुए हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो आप सभी वीडियो को देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।